Okay, जी, we are starting with our today's class. तारण जी प्लीज क्लास ज्वाइन करें आप लोग। आप लोग आ गए, आवाज आ रही है, मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? नहीं सर, अभी आ रहे हैं तो स्क्रीन अभी नहीं नजर आ रही। अच्छा सर जी, थोड़ा सा टाइम देते हैं, नमाज पढ़कर क्लास ज्वाइन कर लेते हैं। यार वो अपना फिर आपकी इशा की नमाज भी चली जाएगी, तो मैंने तो नमाज पढ़ ली थी अफ्तारी करके ज्वाइन करने से पहले। अच्छा जी, अभी आज जो है ना हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया टॉपिक, जो अभी तक हम करते आए हैं ना उससे हट के है थोड़ा सा। अब हम वापस से सिग्नल्स की तरफ चले गए हैं। शुरू में हम इस कोर्स में सिग्नल्स पढ़ रहे थे, फिर हम सिस्टम्स की तरफ गए, अब दोबारा सिग्नल्स की तरफ। अब तो ये सिग्नल्स एंड सिस्टम्स का कोर्स, इसमें हम सिग्नल्स एंड सिस्टम्स में ही जैसी तरह से चलते रहेंगे, कभी सिग्नल्स में कभी सिस्टम्स में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो आपका है फोरियर एनालिसिस के बारे में। हम फोरियर एनालिसिस स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें स्पेसिफिकली फोरियर सीरीज जो है ना वो हम पहले पढ़ेंगे। फोरियर एनालिसिस तो फोरियर आवाज भी आ रही है, तस्वीर भी नजर आ रही है ना आप लोगों को? कोई अगर कोई है इशू तो मुझे बता दें, फीडबैक सही है? ये सर सब कुछ नजर आ रहा है। ठीक है, फाइन, गुड। तो फोरियर एनालिसिस बेसिकली जो है ना इसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं इसमें बिल्कुल हिस्ट्री से लेके चलता हूँ चीज़ों को, क्योंकि चीज़ों को सही से आप तभी समझ सकते हैं अगर आप उसको उनकी ट्रू हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव में देखेंगे, कौन था जिस बंदे ने ये स्टार्ट किया वगैरह वगैरह, कैसे स्टार्ट हुआ। तो फोरियर जो है ना ये थे बेसिकली जीन बैप्टिस्ट फ्रेंच जो है ना जीन बैप्टिस्ट जोसेफ फोरियर, ये 1786 में पैदा हुए थे और 1830 में ये इनकी इंतकाल हुआ था इनका। ये फ्रेंच फिजिसिस्ट थे और मैथमेटिशियन थे, जिन्होंने जो है ना पेरिस में पढ़ाया रहे, वहाँ पे पढ़ाया करते थे और नेपोलियन के साथ इजिप्ट चले गए थे, और बाद में फिर इन्होंने जो है ना वो
he was made the prefect of Jernobi. और उसने क्या किया था कि फोरियर सीरीज को इस्तेमाल किया था. हिज मेन वर्क वॉज एनालिटिक थ्योरी ऑफ हीट. 1822 में इन्होंने जो है ना ये प्रपोज की थी, डेवलप की थी. तो इन्होंने हीट के हवाले से काम किया था क्योंकि उस ज़माने में हीट और हीट इंजन इस पर काम बहुत हो रहा था. दैट वॉज द स्टेट ऑफ द आर्ट. तो इन्होंने जो है ना फोरियर सीरीज का आइडिया दिया था. फोरियर साहब का जो है ना ये बिलीव था कि सिग्नल्स जो होते हैं ना, कोई भी फंक्शन ऑफ टाइम एक्स ऑफ टी या कोई भी सिग्नल, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ सम ऑफ मैनी साइनसॉइड्स ऑफ डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स एंड फ्रीक्वेंसीज. साइनसॉइड्स जो होते हैं ना, उनकी मदद से आप इनको किसी भी सिग्नल को बना सकते हैं डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के, ठीक है, एंड एम्पलीट्यूड. डिफरेंट एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी के साइनसॉइड्स की मदद से आप किसी भी सिग्नल को सिंथेसाइज कर सकते हैं, इसका ये बिलीव था. तो इन्होंने ये चीज़ फिर प्रूव की. तो इसकी मिसाल ऐसे ही है, जैसे सपोज आपके पास एक प्रिज्म है, उसमें से आप एक वाइट लाइट को पास करते हैं तो वो वाइट लाइट जो है 7 कलर्स में से स्प्लिट होके आपको मिलती है. तो बेसिकली वाइट लाइट जो है वो इन 7 कलर्स के मिलाने से बन रही होती है. यानी कलर्स आर बेसिकली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, लाइट जो है ना लाइट वेव की डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के होती हैं वो कलर्स बन, उनको हम कलर्स कहते हैं. डिफरेंट कलर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, वो विजुअल स्पेक्ट्रम में जब आती है तो हम उसको देख सकते हैं. जब उसकी फ्रीक्वेंसी उस रेंज से बाहर चली जाती है अल्ट्रावायलेट में या फिर इंफ्रारेड से आगे तो वो हम नहीं देख सकते. तो बात उसकी ठीक थी. तो हम इसी तरीके से जो है ना डिफरेंट सिग्नल्स को कंपोज कर सकते हैं बाय यूजिंग साइनसॉइड्स ऑफ डिफरेंट एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसीज. तो ये उन्होंने प्रूफ किया था, ये उनका एक फाइंडिंग थी और उसको उन्होंने फिर प्रूफ किया और पूरी एक थ्योरी डेवलप की उन्होंने इसकी. तो वही आपको जो है ना इसमें भी पढ़ानी है कि हमारे पास कोई भी पीरियोडिक सिग्नल हो वो हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सम ऑफ विद डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज एम्पलीट्यूड्स ऑफ डिफरेंट साइनसॉइड्स. तो ये बेसिक जो है ना इस पूरे टॉपिक का आइडिया है जो हम इस कोर्स में पढ़ रहे हैं. ठीक है, तो आप लोग एक काम करते रहें, अपने तौर पे स्क्रीन शॉट साथ साथ लेते रहें अपने रिकॉर्ड के लिए. वैसे मैं भी ले रहा हूँ. ठीक है, अच्छा. तो अब मैं एक छोटा सा टेबल बना रहा हूँ ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए इन इस टॉपिक के हवाले से जो भी हम पढ़ने जा रहे हैं. एक तरफ हमारे पास है टाइम प्रॉपर्टी, और आगे हमारे पास है पीरियोडिक सिग्नल्स एंड ए पीरियोडिक सिग्नल्स. और यहाँ पे टाइम प्रॉपर्टी में कंटिन्यूस टाइम एंड डिस्क्रीट टाइम. पीरियोडिक जो आपके पास हैं उसमें हम जो है ना फोरियर सीरीज पढ़ते हैं. जो पीरियोडिक और कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स हैं उसमें हम फोरियर सीरीज पढ़ते हैं. ठीक है, फोरियर सीरीज आपको पढ़ाई जाएगी. कंटिन्यूस टाइम और ए पीरियोडिक में हम आपको पढ़ाएंगे फोरियर ट्रांसफॉर्म. ठीक है, और पीरियोडिक बट डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स में डिस्क्रीट टाइम फोरियर सीरीज. डिस्क्रीट टाइम फोरियर सीरीज DTFS. और इसके अलावा जो है डिस्क्रीट टाइम में फिर आपकी है डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म. डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म DTFT. तो ये है टोटल कहानी. तो ये जो है ना हम इसमें से पहले हमारा जो फोकस होगा ना दैट विल बी ऑन फोरियर सीरीज, कंटिन्यूस टाइम्स की फोरियर सीरीज, इस पे हमारा पहले फोकस होगा. ठीक है, देन वी विल मूव टू दी फोरियर ट्रांसफॉर्म्स एंड सो ऑन. तो हमारा हम पहले पढ़ेंगे फोरियर सीरीज. आज के लेक्चर में हम फोरियर सीरीज से स्टार्ट करेंगे. अभी तक कोई क्वेश्चन हो आप लोगों की तरफ से?
नो सर। अच्छा तो अब हम स्टार्ट करें फोर ईयर सीरीज से, FOUR IER सीरीज। अच्छा फोर ईयर सीरीज में जो है ना वो ये होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल पीरियोडिक सिग्नल्स जो है ना, पीरियोडिक सिग्नल्स उसके लिए हम फोर ईयर सीरीज बनाते हैं, यानी वो सिग्नल्स जो अपने आप को रिपीट करते हैं आफ्टर सर्टन टाइम इंटरवल, दे आर कॉल्ड पीरियोडिक सिग्नल्स। हम देख चुके हैं पहले पीरियोडिक सिग्नल का क्या मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक इस तरह का सिग्नल है, इसमें ये रिपीट हो रहे हैं पल्सेस जैसे जैसे करके, मैं यहाँ से लेके यहाँ तक कह सकता हूँ दिस इज़ वन टाइम पीरियड, ठीक है। इसके बाद फिर जो है ना सिग्नल अपने आप को रिपीट कर रहा है यहाँ से, तो दिस सिग्नल एफ ऑफ टी एज ए टाइम पीरियड ऑफ टी सेकेंड्स, टाइम नॉर्मली सेकेंड्स में होता है, तो एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ टी प्लस कैपिटल टी, वेर टी कैपिटल टी इज द टाइम पीरियड। तो ये पीरियोडिक सिग्नल है। पीरियोडिक सिग्नल्स के अंदर ये चीज़ निकालने के लिए कि वो किस तरह के जो है क्या कहते हैं साइनसॉइड से बना हुआ है, यानी इसकी कंपोजिशन क्या है, तो वो हम उसके लिए एक टूल यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फोरियर सीरीज। फोरियर सीरीज इज बेसिकली आ टूल विच गिव्स अस द कंपोजिशन ऑफ द सिग्नल, ये सिग्नल के अंदर है क्या, किस बेसिक से फंडामेंटल सिग्नल्स की मदद से बना हुआ है। वो फंडामेंटल सिग्नल्स जो हैं वो आपके साइनसॉइड्स होते हैं, साइन और कोसाइन, डिफरेंट एम्पलीट्यूड के और डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के। तो यानी फोरियर सीरीज आप समझ लें कि एक प्रिज्म की तरह एक मैथमेटिकल टूल है, जैसे वाइट लाइट को आप स्प्लिट कर देते हैं ना मुख्तलिफ कलर्स में, तो जिसकी मदद से वाइट लाइट बनी हुई होती है, इसी तरीके से फोरियर सीरीज एक टूल है, एक प्रिज्म है, मैथमेटिकल प्रिज्म है, जिसकी मदद से आप किसी भी गिवन सिग्नल को देख सकते हैं कि उसके अंदर कौन कौन सी डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज मौजूद हैं। अच्छा यार ज़रा चेक कर लें, ये रिकॉर्डिंग चल रही है ना, रिकॉर्डिंग बंद तो नहीं हो गई इसकी? हाँ जी यस सर चल रही है, ठीक है। तो फोर ईयर सीरीज के बारे में आप क्या समझे, ये बेसिकली एक मैथमेटिकल टूल है, एक मैथमेटिकल टूल सॉर्ट ऑफ प्रिज्म की तरह का एक मैथमेटिकल टूल है, जिसकी मदद से आप किसी भी सिग्नल को के अंदर जो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज हैं उनको आप मालूम कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, या ये मालूम कर सकते हैं कि आर गिवन सिग्नल इज मेड अप ऑफ सो एंड सो फ्रीक्वेंसी, सो एंड सो साइनसॉइड्स विद दिस एम्पलीट्यूड एंड दिस एंगल एंड दिस फ्रीक्वेंसी, इनकी मदद से, यानी आप जैसे वाइट लाइट है ना, तो वाइट लाइट के अंदर क्या जुजियात हैं, किसकी उसकी कंपोजिशन क्या है, किस चीज़ से वो बनी हुई है, वो डिफरेंट कलर्स जो हैं वो आप प्रिज्म से निकाल के देख रहे होते हैं ना फिजिकल वर्ल्ड में, रियल वर्ल्ड में। इसी तरह फोर ईयर सीरीज में हम जो है पीरियोडिक सिग्नल्स की जो है उसको हम एनालाइज कर सकते हैं कि आपके जो सिग्नल है वो किस चीज़ से बना होता है इन टर्म्स ऑफ द साइंस एंड कोसाइंस, जो साइनसॉइड्स में साइन और कोसाइन दोनों आते हैं। अच्छा एक बात होगी, दूसरा ये कि अगर आपका सिग्नल एफ ऑफ टी कॉन्स्टेंट है तो उसको भी हम जो है ना पीरियोडिक सिग्नल ही समझेंगे, अगर और हम कहेंगे कि इसका टाइम पीरियड जो है ना वो ज़ीरो है, फंडामेंटल टाइम पीरियड इसका ज़ीरो है। आपका जो ए पीरियोडिक सिग्नल है वो मिसाल के तौर पे ऐसा हो सकता है कि जिसका टाइम पीरियड इन्फिनिटी है, जैसे ये है ना, ये इन्फिनिटी के बाद अपने आप को रिपीट करेगा, ये ए पीरियोडिक सिग्नल आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो ये हमने पीरियोडिक की तो थोड़ी बात की थी पहले, दिस इज ए पीरियोडिक। ए पीरियोडिक के लिए हम फोरियर ट्रांसफॉर्म इस्तेमाल करते हैं, फोरियर सीरीज नहीं यूज़ करते इसके लिए, तो ए पीरियोडिक के लिए फोरियर ट्रांसफॉर्म आगे चल के पढ़ेंगे, अभी हमारा फोकस जो है वो फोरियर सीरीज पे, तो ये चीज़ हम बाद में देखेंगे, अभी हम इस पर फोकस करेंगे। अच्छा फोरियर सीरीज में हम क्या कहते हैं कि फोरियर सीरीज हम इस तरह से कहते हैं कि हमारा कोई भी गिवन सिग्नल है, इट इज़ कम्पोज ऑफ साइंस एंड कोसाइंस डिफरेंट फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड के, ठीक है। अच्छा इनिशियली हम ये कहेंगे कि हमारा जो सिग्नल है उसका टाइम पीरियड जो है ना वो हम इनिशियली रखेंगे टाइम पीरियड 2π radians, और क्योंकि साइन का साइन और कोसाइन जो आपके होते हैं ना सिग्नल, उनका जो टाइम पीरियड होता है वो 2π होता है,
तो इसलिए हम यहाँ से बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, बाद में फिर हम इसका टाइम पीरियड जो है आर्बिट्ररी कर देंगे, टी कर देंगे, कुछ भी टाइम पीरियड हो सकता है। तो जो हमारी इनिशियल डेरिवेशन होगी ना इसकी, फोरियर सीरीज का फॉर्मूला होगा, उसमें हम 2π रखे होंगे, लेकिन बाद में हम चेंज कर देंगे इसको। अच्छा, मैं ये कहता हूँ जी कि कोई भी आपका सिग्नल एक्स ऑफ टी है दैट इज मेड अप ऑफ साइंस एंड कोसाइंस, एक साइन है जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो जीरो समझ लें आप, ठीक है, एक एक कॉस कोसाइन है, कोसाइन की फ्रीक्वेंसी जीरो समझ लें तो वो वन बन जाएगा, फिर आपका कॉस टी है, साइन टी है, ठीक है, साइन की फ्रीक्वेंसी जीरो करेंगे तो जीरो हो जाएगा, तो ख़त्म हो गई कहानी, कॉस की फ्रीक्वेंसी जीरो करेंगे तो वन वन हो जाएगा। अच्छा, साइन टी हो गया कॉस, फिर कॉस टू टी आ जाएगा, कॉस टू टी, साइन टू टी, और इसी तरीके से ये चलता चला जाएगा, कॉस एन टी, साइन एन टी, ठीक है। तो ये जो है ना, फिर आप इसको चलाते चले जाएं और आगे ले जाएं इन्फिनिटी पे, हम इसको जो है ना इस तरह से लिखते हैं कि हमारा कोई भी सिग्नल है एक्स ऑफ टी दैट इज बेसिकली इक्वल टू ए नॉट, ये चीज़ यहाँ पर मैंने ये साइंस जितने थे ना वो बता दी, इनके एम्पलीट्यूड्स नहीं बताए थे, अगर मैं इनके साथ एम्पलीट्यूड बता दूं कि ये डिफरेंट साइंस और कोसाइंस मेरे पास हैं और इनके कुछ एम्पलीट्यूड्स भी हैं, तो वो एम्पलीट्यूड यहाँ पे ये ए नॉट मैंने लिखा है, जैसे ये आपके पास जीरो फ्रीक्वेंसी का, जीरो रेडियंस का पर सेकेंड की फ्रीक्वेंसी का अगर था तो उसका एम्पलीट्यूड ए नॉट है, ठीक है। इनके आप समझ लें कि एक और मेरे पास जो है ना इसी तरह का सीक्वेंस है, इसमें मैंने लिखा हुआ है ए नॉट, ये इसका एम्पलीट्यूड है, फिर मेरे पास है ए वन, ठीक है, फिर मेरे पास बी वन है, एंड सो ऑन, इस तरह से चल रहा है, ए वन इसका एम्पलीट्यूड है, बी वन इसका एम्पलीट्यूड है, ए नॉट इसका एम्पलीट्यूड, एंड सो ऑन। तो मैं बेसिकली, मैंने आपको ये बताया था ना कि फोरियर सीरीज में हम क्या करते हैं कि एक्सप्रेस कर देते हैं गिवन सिग्नल को इन फॉर्म ऑफ अ समेशन ऑफ साइनसॉइड्स ऑफ डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स एंड फ्रीक्वेंसीज। तो वही चीज़ अब मैं लिखने जा रहा हूँ, एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू ए नॉट प्लस n is equal to 1 to infinity a n cos n t plus b n sin n t. This is the basic equation for Fourier series. ठीक है, इसको जो है ना ये आप इस तरह से लिख लें, हमने क्या किया कि गिवन सिग्नल एक्स ऑफ टी को एक्सप्रेस कर दिए इन फॉर्म ऑफ साइनसॉइड्स ऑफ डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स एंड फ्रीक्वेंसीज। तो ये ए नॉट और ए नॉट ए एन बी एन फाइंड करना बेसिकली ये जो है ना असल काम है, यानी जो हमारा काम होगा, मैथमेटिकल वर्किंग होगी, वो ये होगी इनको फाइंड करना, ठीक है। तो ये बेसिक फार्मूला है फोरियर सीरीज का, ट्रिग्नोमेट्रिक, इसको कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज। इसी तरह से एक जो है ना अरिथमेटिक फोरियर सीरीज भी होती है, सॉरी एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज भी होती है। एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज हम बाद में पढ़ेंगे, दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज, एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज होती है अलग से, वो बाद में हम पढ़ेंगे। दिस इज द बेसिक इक्वेशन ऑफ योर ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज। ये हम इस तरह से जब सिग्नल को लिख देते हैं, दैट इज कॉल्ड वी हैव एक्सप्रेस द सिग्नल इन फॉर्म ऑफ साइनसॉइड्स ऑफ डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स एंड फ्रीक्वेंसीज, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है, कोई सवाल किसी का? नो सर। चलो ठीक है। अच्छा, अब हम जो है ना इसकी कहानी स्टार्ट ये करेंगे कि हमने एक चीज तो देख ली, तय कर ली कि कोई भी सिग्नल जो है ना उसको हम लिख सकते हैं एक्स ऑफ टी कहें, एफ ऑफ टी कहें, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ए नॉट प्लस समेशन एन इज इक्वल टू वन से इन्फिनिटी तक ए एन कॉज एन टी प्लस बी एन साइन एन टी, हम इस तरह से लिखते हैं। अब हमारा अगला जो टारगेट है वो ये है कि ये ए नॉट ए एन बी एन क्या है, इनको फाइंड करना, ठीक है, दैट इज दी रियल थिंग, कि अगर हम इसको फाइंड कर लेते हैं तो फिर हम जो है ना वो एक मेथड डेवलप हो जाएगा जिसके जरिए से हम किसी भी गिवन सिग्नल को एक्सप्रेस कर सकते हैं इन फॉर्म ऑफ दी साइनसॉइड्स। सो फॉर दैट लेट्स डू अ सिंपल वर्किंग। और दूसरा ये कि मैंने ये कहा था कि हमारा जो गिवन सिग्नल एफ ऑफ टी है, इट हैज अ पीरियड ऑफ 2π, ठीक है,
टी यानी कि एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ टी प्लस टू पाए, ठीक है, टी सेकेंड्स में तो टू पाए सेकेंड्स में होगा। तो ये अभी हम इनिशियली इस तरह से ले रहे हैं, बाद में फिर हम इसको जनरलाइज कर लेंगे, जो एग्जैक्ट आपका जो यानी एक जनरलाइज किस्म का फॉर्मूला होगा वो उसमें कैपिटल टी आएगा जो कि सेकेंड्स में होगा। उससे पहले का ये इनिशियल फार्मूला है, आप मेन फार्मूले को याद रखिएगा, इनिशियल वाले को फॉर अंडरस्टैंडिंग देख लें कि क्या होता है। अच्छा, अब पहले हम जो फाइंड करने लगे हैं ना, वी आर ट्राइंग टू फाइंड दीज कोफिशियंट्स ए नॉट ए एन बी एन, ये कोफिशियंट्स हैं। तो लेट्स इंटीग्रेट दिस इक्वेजन फ्रॉम माइनस पाए टू पाए ऑन बोथ साइड्स, एफ ऑफ टी डी टी इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम माइनस पाए टू पाए और ए नॉट प्लस समेशन एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी ए एन कॉज एन टी प्लस, ये इस तरह से ब्रैकेट के अंदर है, बी एन साइन एन टी ऐसे करके डी टी, दोनों तरफ हमने इंटीग्रेट कर दिए फ्रॉम माइनस पाए से पाए तक। अच्छा, अब आगे हम क्या करते हैं जी कि इसकी राइट हैंड साइड को ले लें, तो ये बन जाएगा आपका माइनस पाए से पाए तक ए नॉट डी टी प्लस समेशन एन इज इक्वल टू वन से इन्फिनिटी, समेशन के अंदर इंटीग्रेशन हम ले गए हैं, यहाँ पे है आपका ए एन कॉन्स्टेंट है बाहर ले गए, माइनस पाए से इंटीग्रेशन में तो कोई इशू नहीं है ना किसी को, यह है कॉज एन टी डी टी प्लस बी एन माइनस पाए से पाए तक साइन एन टी डी टी, ठीक है, समीशन बाहर है इंटीग्रेशन हम अंदर कर रहे हैं। अच्छा, अब एक दो चीज़ें नोट करने की ये हैं कि ये आप लोग अभी देख भी सकते हैं और हम इसको प्रूफ भी कर सकते हैं ऐसे क्विकली, ए एन कॉस एन टी को माइनस पाए से पाए तक डी टी, वेरिएबल टी इज़ द वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट कर दें तो ये किसके बराबर आता है जी? किसके बराबर आता है ये, कोई बता सकता है आप में से? सर कॉस की इंटीग्रेशन करके सर हमारे पास साइन आ जाता है ना, तो अच्छा ये मैंने कर दी इंटीग्रेशन, रिजल्ट क्या आता है इसका? इसका सर पाई की वैल्यू उसमें डाल दे, इसी में डाल दे तो वैल्यू आ जाएगी पाई बाई टू की, और पाई की जो वैल्यू है तो पाई बाई टू नहीं है, माइनस पाई और प्लस पाई है, कोई भी आप रखें ना, पाई रखें माइनस पाई रखें, दोनों सूरतों में साइन पाई हमेशा जीरो होता है। नीचे अच्छा माइनस, नीचे माइनस, माइनस पाई जी, माइनस पाई नीचे, ये माइनस, अच्छा साइन एन टी को जरा इंटीग्रेट, अच्छा साइन एन टी को इंटीग्रेट करें तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस बी एन बाय एन कॉस एन टी, ठीक है, और पाए और माइनस पाए, जब भी आप ये रखेंगे ना इसमें तो कॉस पाए और माइनस कॉस थीटा और कॉस माइनस थीटा बराबर आता है, तो जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक दूसरे को काट देंगे, ये कॉस पाए माइनस कॉस पाए हो जाएगा कॉस एन पाए माइनस कॉस, ये मैं लिख भी देता हूँ, माइनस बी एन बाय एन कॉस एन पाए माइनस कॉस एन पाए ऐसे करके, तो ये एक दूसरे को काट देंगे और ये हो जाएगा आपका आंसर ज़ीरो, तो दोनों आ गए ज़ीरो, यानी कि हमारे पास जो इंटीग्रेशन है इसमें हो गया ये ज़ीरो और ये हो गया ज़ीरो इस तरह से, ठीक है, ये दोनों ज़ीरो हो गए। पीछे आपके पास क्या चीज़ बची, ए नॉट, ए नॉट वाला बचा। अब आप इसको अगर देखें तो ए नॉट को जब आप इंटीग्रेट कर देते हैं, जब आप ए नॉट को इंटीग्रेट करेंगे इस तरह से, ये चीज़ इसको जब आप करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए नॉट कॉन्स्टेंट है बाहर चला जाएगा, टी इधर आ जाएगा, पाए और माइनस पाए से आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा ए नॉट टू पाए, ठीक है। हम निकालना चाहते थे ए नॉट, तो हमारे पास यहाँ से क्या निकल के आ गया, ए नॉट, ए नॉट टू पाए इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ टी, तो आप इसको लिखेंगे वन अपॉन टू पाए इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस पाए टू पाए
ऑफ एफ ऑफ टी डी टी ऐसे करके. ये जो चीज हमने निकाली है ना, दिस इज वन ऑफ द बेसिक फॉर्मूलाज, इसको आप लोग नोट कर लें ऐसे करके. इस तरह से ना ये गैर जरूरी चीजें इसमें से हटा दें. मतलब ये है कि ये जो आपको नजर आ रहा है ना बीस में से ग्रीन लाइन के अंदर, ये आपका ए नॉट का फॉर्मूला है. यस सर, सही. ठीक है, ए नॉट वन अपॉन टू पाए माई इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस पाए से एफ ऑफ टी तक, ये आपका एक कांस्टेंट आपने निकाल लिया है फोरियर सीरीज का. जो फोरियर सीरीज में हम एक्सप्रेस कर रहे थे ना, उसका एक हम एक चीज हमने इंपॉर्टेंट चीज फाइंड कर ली है फॉर्मूलाज का. अच्छा, अब आगे देखें जरा इसको. ये एक्चुअली जो क्लास है ना, इसमें थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है. खैर एनीवेज, अच्छा ये किसका, किसी का मैसेज कोई आया था अभी, किसी ने मैसेज किया? अच्छा दूसरे पे अब आ जाएं. अब हमने ए एन और बी एन फाइंड करने हैं. ठीक है, ए एन में करा देता हूँ, बी एन आप लोग एज एन एक्सरसाइज कर लीजिएगा, तरीका उसका समझ लें और फिर उसकी आप जो है वो क्या कहते हैं बी एन में तरीका, वही फिर आप उसके हिसाब से फॉलो कर लीजिएगा. अच्छा एफ ऑफ टी हमारे पास था, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू ए नॉट प्लस एन इज इक्वल टू वन से इन्फिनिटी तक ए एन कॉज एन टी प्लस बी एन साइन एन टी. ठीक है, हम मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड्स को बाय कॉज एम टी. अब एम है ये, एन नहीं है. एफ ऑफ टी कॉज एम टी इज इक्वल टू ए नॉट कॉज एम टी प्लस ठीक है. तो यहाँ पे आपके पास जो है आगे हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर ए एन कॉज एम टी कॉज एन टी प्लस बी एन कॉज एम टी साइन एन टी. ठीक है, अब हमने क्या किया, कॉस एम टी से मल्टीप्लाई किए और अब इसके बाद हम जाके इसकी इंटीग्रेशन करेंगे. तो हम निकालना चाहते हैं ए एन, बेसिकली ये सारी काम कर रहे हैं ए एन के लिए फॉर्मूला बनाना चाहते हैं. तो आप इसको इंटीग्रेट कर दें फ्रॉम माइनस पाए टू पाए एफ ऑफ टी कॉस एम टी डी टी. आप लोग फॉलो कर रहे हैं ना साथ साथ, समझ में आ रहा, कोई इशू तो नहीं है किसी किस्म का? ठीक है, तो a cos mt हो जाएगा dt प्लस समेशन बाहर चली जाएगी इसकी. आप लोगों को डेरिवेशन मैं सच नहीं पूछूंगा, मैं सिर्फ समझाने के लिए करा रहा हूँ. हम फोकस हमारा प्रॉब्लम्स पे होगा, यानी फोरियर सीरीज की एप्लीकेशन पे. ठीक है, अब ये समझाने के लिए इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको, मतलब ये डेरिवेशन इसलिए करा रहा हूँ समझाने के लिए ताकि सही से समझ में आ सके. आगे फिर करने में ना बंदा फिर वो जो है उसको पता चल रहा होता है सर पैर के कर क्या रहा हूँ, क्यों हो रहा है ऐसे वगैरह वगैरह, डिटेल्स उसको पता होती है ठीक से. अच्छा n इज इक्वल टू वन से इन्फिनिटी तक जा रहा है और आगे आपकी इंटीग्रेशन है फ्रॉम माइनस पाए टू पाए. यहाँ पे आपके पास है ए एन कॉज एम टी कॉज एन टी डी टी प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस पाए टू पाए बी एन. बी एन जो है ना और ए एन कॉन्स्टेंट्स हैं, कॉज एम टी साइन एन टी डी टी. अब ये सूरत हाल बन गई है. अब हम इन तीनों को ना, तीनों इंटीग्रल्स को अलग अलग करके देख लेते हैं. पहला आपके पास जो है ना, पहले आपके पास है ये ए नॉट वाला, तो ए नॉट कांस्टेंट है इसलिए हमने इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लिया. माइनस पाए से पाए तक कॉस एम टी और आगे क्या है, आगे एक मिनट, बस डी टी आगे आ रहा है ना. तो जब आप उसको इंटीग्रेट करेंगे तो अगेन इट विल बी जीरो, क्योंकि आप किसी भी साइनसॉइड को कॉस को उसके वन टाइम पीरियड के ऊपर इंटीग्रेट कर दें दैट टर्न्स आउट टू बी जीरो. ये हो जाएगा क्या, हो जाएगा ए नॉट अपॉन एम साइन एम टी पाई और माइनस पाई पे इसको करें तो ये आ जाता है जीरो के बराबर. तो ये तो कहानी इसकी ख़त्म हो गई यहाँ से. ठीक है, अच्छा इसके बाद अगला जो है वो आप देख लें.
अगली आपके पास टर्म है ए एन वाली, ए एन में हमारे पास है माइनस पाए से पाए तक कॉज एन टी कॉज एम टी डी टी। इसको हम जो है ना कैसे इंटीग्रेट करेंगे, इसको ऐसे इंटीग्रेट करेंगे, इसको यहाँ पर मैं स्क्रीन सेव कर लेता हूँ, ठीक हो गया। इसकी नंबरिंग यार साथ साथ हम करते जाते हैं ना तो आपको समझने में आसानी होती, तो इसको मैं समझता हूँ कि कितनी स्क्रीनशॉट हो गई होंगी आपके अंदाजे के मुताबिक अभी तक, किसी ने काउंट रखा है वो नंबर डाल देता हूँ मैं इसका नंबर डाल देता हूँ, लेट्स से 4। सर सिर्फ इसमें या बाकी लेक्चर्स के हिसाब से? नहीं नहीं इसी का, इसकी जब मैं स्क्रीनशॉट आपसे शेयर करूंगा ना ताकि आपको 6 है तो ये 6th वन थी बहरहाल जो भी नंबर है इसका, तो इसका नंबर जो है ना से अगली वाली जो होगी ना वो फिर उसको हम 6 कर लेंगे, ठीक है। फिर ये पीछे वाली का तो जो चला गया आगे वाली को हम जो है ना नंबर के साथ सेव करता जाऊंगा ताकि आपको फिर वो सीक्वेंस मिलाने में मुश्किल ना हो। तो यहाँ पर जो है ना, यहाँ पे हम एक काम ये करते हैं कि एक चीज आपको मैं बताता हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ये होती है कॉस थीटा और कॉस फाइ, जैसे कि हमारे पास कॉस एन टी और कॉस एम टी है, तो कॉस थीटा कॉस फाइ बराबर किसके होता है, हाफ कॉस थीटा प्लस फाइ के, ठीक है, प्लस हाफ कॉस थीटा माइनस फाइ के, ठीक है, ये हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो उस हिसाब से ये हो जाएगा ए एन माइनस पाए से पाए तक, ये आपका हो जाएगा हाफ कॉस एन प्लस एम टी, टी को कॉमन ले लिया हमने इसमें से, और प्लस हाफ, हाफ को भी कॉमन ले लेते, कॉस एन माइनस एम टी डी टी, ये चीज़ हो जाएगी, ठीक है, इसके बराबर, ये जो आपका है ना इज इक्वल टू, इस चीज को मैंने कहा है इज इक्वल टू दैट, ठीक है। तो अब आपके पास ये सूरत हाल बन गई है। अब अगर आप इसमें फर्स्ट टर्म को इंटीग्रेट करें, ये हमारा इक्वल टू का साइन था, पहली वाली को अगर आप देखें ना, हाफ माइनस पाए से पाए तक कॉस एन प्लस एम टी डी टी, ये बराबर होता है साइन एन प्लस एम टी पॉन एन प्लस एम, और एक टू भी हमारे पास है यहाँ पे, और पाए और माइनस पाए। तो जब आप उसको इसमें वैल्यूज पुट करेंगे इट विल ऑलवेज बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि साइन है, साइन पाए जो होता है वो माइनस पाए करें वो जीरो ही आता है। जैसे दूसरी चीज जो इसके अंदर आ रही है वो आपकी है हाफ माइनस पाए से पाए तक कॉस एन माइनस एम टी डी टी, टू एन माइनस एम साइन एन माइनस एम टी और पाए और माइनस पाए, ये जीरो होगा फॉर एन इज नॉट इक्वल टू एम, क्योंकि एन इज इक्वल टू एम कर देंगे ना तो n माइनस एम जीरो हो जाएगा, जीरो डिवाइड कर देंगे तो वो आपके पास डिवीजन बाय जीरो का प्रॉब्लम हो जाएगा इसमें, तो वो साइन ये उसमें इशू आ जाएगा, ठीक है। इसको इस पर वो एक मैं इसको एक आसान रास्ते से बता दूंगा आपको, जब n m के बराबर हो तो क्या रिजल्ट आता है, लेकिन इसको भी प्रूफ किया जा सकता है कि वो सूरत में क्या बनेगा, वो सिंक फंक्शन बनता है साइन थीटा पॉन थीटा करके, लेकिन मैं उससे नहीं बताऊंगा, दूसरे आसान रास्ते से बताऊंगा। तो n उन सूरतों में जब n m के बराबर नहीं है फिर तो ये जीरो है, और ये ऊपर वाला जो है ना इसमें मैं लिख देता हूँ साथ फॉर ऑल एन एंड एम, ठीक है, ये मैंने इसके लिए लिख दिया, इस वाले स्टेप के लिए, फॉर ऑल उल्टा ए का मतलब होता है फॉर ऑल एन एंड एम। तो यानी कि वो सूरतें जब एन एम हैं तो ऊपर वाला तो हमेशा ही जीरो होगा, नीचे वाला एन एम के बराबर नहीं है तो उस सूरत में जीरो होगा, और जब होगा एन एम के बराबर तो फिर क्या होगा वो देख लेते हैं अगले स्टेप में। तो जब एन एम के बराबर होगा फिर क्या होगी कहानी, ये हमारी स्लाइड नंबर 6 थी ना,
एन एन के बराबर होगा, तो फिर क्या होगा कि आपका ये जो है हाफ माइनस पाए से पाए तक कॉस एन माइनस एम होता है वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एन माइनस एम टी डी टी इज इक्वल टू हाफ माइनस पाए से पाए तक कॉस जीरो टी डी टी इज इक्वल टू सिंपली ये टी के बराबर हो जाएगा हाफ टी। हाफ टी हो गया ना ये, और पाए और माइनस पाए, तो ये जब आप इसमें लिमिट्स पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास टू पाए डिवाइडेड बाय टू पाए इज इक्वल टू पाए। तो इससे अब आप इसके इस वाली इक्वेशन जो थी हमारी इस पे वापस अगर आप आएँ तो ये यहाँ पर आपके पास जो हमने पिछली साइड में अगर आप रेफर करें हमने रखा था एफ ऑफ टी, तो कॉस एम टी से मल्टीप्लाई किया था, यानी कि अगर आप रिकॉल करें उसको तो यहाँ पे हमारे पास था एफ ऑफ टी कॉस एम टी डी टी, यहाँ से हमने कहानी स्टार्ट की थी, इसको माइनस पाए से पाए तक इंटीग्रेट किया था, ये चीज़ जो है इस पूरे के बराबर थी, जो अल्टीमेटली आपके पास निकल के आती है किसके बराबर, इसके बराबर होती है ए ए एन पाए, ये चीज आपके पास निकल के आती है पाए के बराबर, ठीक है। आप लोग साथ साथ फॉलो कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है, यहाँ पे कोई इशू तो नहीं है इसमें? यस सर, कोई इशू नहीं है। तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है ना वो आते हैं ये पाए के बराबर है, ठीक है, इसका रिजल्ट ये आ रहा है कि ये चीज़ पाए के बराबर है। और मैं आपको ये मतलब ये कि ये जो हमारा रिजल्ट बेसिकली है वो ये है, यहाँ से हमने कहानी स्टार्ट की थी स्लाइड नंबर 6 में, और ये जो हमारा फंक्शन था ना जिसको हम फाइंड कर रहे थे, इसमें हमने क्या किया था कि हमने इंटीग्रेट किया था दोनों साइड्स को, तो उसमें हमारे पास एक इंटीग्रल आ रहा था माइनस पाए पाए, और ए नॉट वाली टर्म आ रही थी वो तो ज़ीरो हो गई थी, ठीक है। फिर उसके बाद आगे समेशन थी, समेशन के अंदर हमारे पास जो है ये वाली टर्म थी यहाँ पे, ठीक है, प्लस ये कि एक हमारे पास एक और भी थी, वो अभी हम नेक्स्ट देखने जा रहे हैं, वो bn वाली थी, ठीक है, वो अभी हमने अगली स्लाइड नंबर 7 में देखेंगे, ये वाली हमने यहाँ पे कर ली है। ये जो है ना ये आपके पास बेसिकली दिस थी, ये इधर वाली आ गई, ठीक है, उस वो ज़ीरो हो गई थी। तो ये है अभी मतलब ये कि इट्स नॉट कंप्लीट डेरिवेशन येट, ए एन के लिए हम ये सारी काम कर रहे हैं, हमने आधा काम कर लिया है, अभी जो आधा रिमेनिंग काम है वो देखते हैं, जिसको मैं सेव कर लेता हूँ। तो अब ये है मेरी नंबर 7। अच्छा अब आप आ जाएं दूसरी वाली चीज़ के ऊपर जो मैं बता रहा था, उसमें हमारे पास था बी एन माइनस पाए से पाए तक साइन एन टी कॉस एम टी डी टी, ये चीज़ थी हमारे पास। अब ये किसके बराबर है ये हमने मालूम करना है, तो इस पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगाएंगे साइन फाई कॉस थीटा, ये बराबर है हाफ साइन फाई प्लस थीटा प्लस हाफ फाई माइनस थीटा के, ठीक है, इस चीज़ के बराबर होता है। तो अब ये हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इस पर अप्लाई कर रहे हैं, बी एन माइनस पाए टू पाए साइन एन टी कॉस एम टी, कॉस एम टी हमने खुद मल्टीप्लाई किया था इसमें, इज इक्वल टू बी एन, ठीक है, और आगे आपका जो है वो आ जाएगा हाफ और इंटीग्रेशन माइनस पाए से पाए तक साइन एन प्लस एम डी टी, ठीक है, प्लस हाफ हमने बाहर निकाला हुआ है माइनस पाए से पाए तक साइन एन माइनस एम टी डी टी,
सही है। अच्छा इसके बाद फिर क्या है कि आप इसको इंटीग्रेट कर दें। अब मैं एक साथ ही ना एक ही इक्वेशन में करता जा रहा हूँ, अलग अलग पार्ट्स में करके तोड़ के नहीं कर रहा, इधर ही कर रहा हूँ क्योंकि अब इतना तो अब समझ में आ रहा होगा अपन को। तो ये चीज़ आपकी हो जाएगी कॉस एन प्लस एम टी अपॉन टू माइनस टू एन प्लस एम, क्योंकि हमने इंटीग्रेट किया साइन को और लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन पाए और माइनस पाए है। इसके बाद आगे आपका जो है वो अगले इसमें है माइनस आ जाएगा यहाँ पे टू एन माइनस एम कॉस एन माइनस एम टी लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन पाए और माइनस पाए है। अच्छा अब आप इसमें ये पुट कर दें लिमिट्स को, कॉस पाए है कॉस माइनस पाए है, तो ये दोनों सूरतों में जो है ना बराबर आएंगे, ठीक है। और क्या रिजल्ट निकलना चाहिए आपके ख्याल में इसका? सर लिमिट की वैल्यू पुट कर ले वैसे में से माइनस हाँ क्या आएगी रिजल्ट क्या आएगा? देखें कॉस पाए है और माइनस कॉस माइनस पाए, कॉस माइनस पाए कॉस पाए के बराबर ही होता है, तो कॉस पाए माइनस कॉस पाए इज जीरो। इसी तरीके से दूसरे सूरत में भी यही बनेगा आपका, तो ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये सब जीरो के बराबर आ जाएगा। बी एन वाली ये जो इक्वेजन आपके पास आ रही है जीरो के बराबर आ गई। तो अब आप अगर वापस आएँ मेन इक्वेजन पे जहाँ से हमने कहानी स्टार्ट की थी, एफ ऑफ टी माइनस पाए से पाए तक एफ ऑफ टी कॉस एम टी हमने मल्टीप्लाई खुद ही किया था दोनों साइड्स पे, ये बराबर होता है ज़ीरो, ए नॉट वाली टर्म ज़ीरो हो गई थी। फिर आगे आपकी समेशन थी एन इज इक्वल टू वन से इन्फिनिटी वाली, उसमें हमारे पास ए एन आ गया था और इंटीग्रेशन जो हमने की थी ना उसमें आ गया था पाए, पिछली स्लाइड नंबर सिक्स में देखें तो यहाँ पाए रिजल्ट निकल के आया था इंटीग्रल का। प्लस आपके पास है बी एन और ये जो बी एन वाला इंटीग्रल है सबकी वैल्यू ज़ीरो आ रही है, बी एन इंटू इंटीग्रल इज इक्वल टू ज़ीरो, ये इंटीग्रल हमने सॉल्व किया दैट इज़ ज़ीरो, सो ये ज़ीरो है। तो आखिर में हमारे पास क्या बचता है, वो ये बचता है कि बी एन आपके पास रह गया, ठीक ये इसमें से हमने ए एन निकालना है ना, तो ए एन रह गया, ए एन इज इक्वल टू वन अपॉन पाए फ्रॉम माइनस पाए टू पाए एफ ऑफ टी कॉस एम टी डी टी, ठीक है। इससे हमारे पास एक और फॉर्मूला आ गया इसका, ये हमारे पास जो आ गया ना ये, यानी हम इंटीग्रेट कर रहे हैं कहाँ से पाए से पाए तक, और ये हमारा जो है ना बेसिकली दूसरा कोफिशिएंट निकल आया इसका। ये भी हमने सेव कर लिया इसको, तो ये जो है ना आपका हमारे जो फोरियर सीरीज का टूल था एनालिसिस का, उसका जो है ना दूसरा कोएफिशिएंट भी हमने निकाल लिया। इसी तरीके से आप लोग एज एन एक्सरसाइज कर लीजिएगा और अगर मुझे आप रिमाइंड कराएं तो नोट्स जो मेरे हैं ना उसके पेज नंबर 53 के ऊपर ये बीएन की डेरिवेशन दी हुई है, तो उसमें जो है ना हम इसी तरीके से हम करेंगे, लेकिन उसमें चेंज ये करेंगे कि दोनों तरफ साइन एम टी से मल्टीप्लाई करेंगे। बी एन निकालने के लिए जो है हम क्या करते हैं, ये एफ ऑफ टी वाली इक्वेजन में एफ ऑफ टी को दोनों साइड्स को साइन एम टी से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। फिर हम इंटीग्रेट करते हैं फ्रॉम माइनस पाए से पाए तक, और फिर जो है वो उस पर जो है ये हमारे पास कोफिशिएंट बी एन निकल के आता है, ठीक है। तो बी एन जो हमारे पास आता है उस वो आता है बी एन इज इक्वल टू, ये पिछली स्लाइड का नंबर 7 था, ये 8 है ना, तो बी एन हमारे पास निकल के आएगा वन अपॉन पाए फ्रॉम माइनस पाए से पाए तक एफ ऑफ टी साइन एम टी डी टी। ठीक है अच्छा, अब इसमें जो है ना क्या कहते हैं, एक चीज जो है ना ये मैं इसकी इक्वेशंस को दोबारा से लिख देता हूँ, एक ये हमारे पास बी एन आ गया, ठीक है ये हमारे इधर तक हो गया, मैं इन सारी इक्वेशंस को एक दफा साथ करके लिख देता हूँ, इसको सेव कर लें।
इसमें जो है ना क्या होता है कि इसकी जितनी भी इक्वेशंस हैं वो हैं फोर ईयर सीरीज की। फर्स्ट ऑफ ऑल वो ये है कि एफ ऑफ टी होता है ए नॉट प्लस एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी ए एन कॉज एन टी प्लस बी एन साइन एन टी। और उसके बाद हमने फाइंड किया है अगली चीज जो हमने फाइंड की थी वो ये थी कि ए नॉट हमारा आया था वन अपॉन टू पाए माइनस पाए से पाए तक एफ ऑफ टी डी टी। फिर हमने निकाला ए एन इज इक्वल टू वन अपॉन पाए इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस पाए से पाए तक एफ ऑफ टी कॉस एन टी। ठीक है, ये एन इज इक्वल टू एम किया है इसमें क्योंकि आखिरी स्टेप में ना समेशन जो थी उसकी वजह से एक तरफ एम आ रहा था दूसरी तरफ एन आ रहा था, तो हम एन एन को एम के बराबर लेंगे तभी जाके वो रिजल्ट आ सकता था। तो उसके बाद फिर आपके पास डी टी है, देन बी एन वन अपॉन पाए माइनस पाए से पाए तक एफ ऑफ टी साइन एन टी डी टी। ये चार हमारे पास तीन हमारे पास या आ गई ये वाली इक्वेशंस और चौथी जो है फर्स्ट वन जो ऊपर लिखी हुई है ये आपकी फोर ईयर सीरीज है। इससे इसकी मदद से हम फोर ईयर सीरीज जो है किसी भी फंक्शन की बना सकते हैं, पीरियोडिक सिग्नल की बना सकते हैं। फोरियर सीरीज बनाने के लिए हम जो है ना इन इक्वेशंस को यूज़ करते हैं। मैं इनको थोड़ा सा जो है ना हाईलाइट कर दूँ स्क्वायर के अंदर। बेसिकली ये इक्वेशंस इस्तेमाल होंगी अप्लाई होंगी तो हम जाके जो है इससे फोरियर सीरीज जो है उसका एनालिसिस हम कर सकते हैं। तो इसमें नोट ये करें कि हमारे पास जो है ना यहाँ पे ए नॉट के अंदर वन पॉइंट टू पाई आ रहा है और हमने जो है हमारे पास सिग्नल एफ ऑफ टी जो है वो पीरियोडिक है विद द पीरियड ऑफ टू पाई, यानी एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ टी प्लस टू पाई। एफ ऑफ टी का जो टाइम पीरियड है वो टू पाई सेकेंड्स का है, तो तब जाके हमने जो है ये सारा काम किया। तो यहाँ पर आपके पास पूरा टाइम पीरियड आ रहा है इस जगह पे और इनमें आधा टाइम पीरियड पाई आ रहा है लिखा हुआ यहाँ पे। ठीक है, ये नोट करने वाली बात है। इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं फ्रॉम माइनस पाए से पाए तक, यानी ये पूरे एक पीरियड के ऊपर इंटीग्रेशन कर रहे हैं फ्रॉम माइनस पाए टू पाए। तो दीज आर द इक्वेशंस विच आर यूज्ड फॉर फोरियर एनालिसिस। ये हमारा स्लाइड नंबर कौन सी है, 9 है। अच्छा, अब हम एक काम ये करते हैं कि छोटी सी एग्जांपल सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, अभी हम हमारे पास 5-10 मिनट है ना, इसमें हम एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। जो इम्पोर्टेंट चीज़ आप लोगों के लिए ना, जो पीछे हमने जितनी भी डेरिवेशन की है ना वो उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है। सही है, समझ रहे हैं बात को? यस सर। हाँ, हमारे पास जो है ना देखें, हम एक सिग्नल गिवन है, लेट मी ड्रॉ द सिग्नल। पहले जो था ना सारी दैट वॉज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, अब हम जो है ना हमारी असल खेल अब स्टार्ट हो रहा है। हमारे पास इस तरह का सिग्नल है, ये जो है ना मैं बेसिकली एक स्क्वायर वेव बना रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, इस तरह की
ये इस तरह की वेव है। इट्स अ पीरियोडिक सिग्नल, ठीक है, ये एक पीरियोडिक सिग्नल है और इसमें इस तरह से है, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू, ये हमारा के है एंड दिस इज माइनस के, दिस इज माइनस पाए, माइनस टू पाए, दिस इज पाए, यहाँ पे टू पाए है और ये जो है दिस इज टी। इस तरह से चल रहा है सिलसिला इसका आगे, चाहिए दिस इज आर एफ ऑफ टी। एफ ऑफ टी बराबर है माइनस के और के के, माइनस के बराबर कब है, इफ, ये सिर्फ एक साइकिल को यहाँ पे डिस्क्राइब किया फंक्शन में, माइनस वाई इज लेस देन टी इज लेस देन जीरो एंड इफ इज इक्वल टू के, इफ जीरो इज लेस देन टी इज लेस देन पाई। तो इसे आपको देखते साथ ही पता चल जाएगा इसका जो टाइम पीरियड है वो टू पाई है, बिकॉज यहाँ से इधर तक एक साइकिल है, इसके बाद फिर ये रिपीट होना शुरू हो जाता है, ऐसे ही है कि नहीं, हाँ रिपीट हो रहा है ना, इस यहाँ से लेके यहाँ तक बना, रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा, माइनस पाई से टू पाई तक रिपीट हो रहा है ना इसके बाद से, तो इसके बाद देखें यहाँ, इसके बाद ये चीज़ आना शुरू हो गई है यहाँ पे, तो रिपीट हो रहा है, तो ये इसका जो एक पीरियड है कैपिटल टी आप कह लें वो टू पाई सेकेंड्स के बराबर है ऐसे, तो इसका टाइम पीरियड टू पाई। इसमें हम जो है ना वो वाली फोरियर सीरीज जैसे हमने पढ़ी है वो लगा सकते हैं, बाद में फिर हम इसको जनरलाइज करके ना टी को लेंगे, अभी इसके हमारे पास जो हमने जो डेरिवेशन की है ना उसमें टाइम पीरियड हमारे पास टू पाई है, टू पाई के हिसाब से की है। इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल इन द नेक्स्ट क्लास विल सी दैट के टी अगर हो कुछ भी हो टू पाई के अलावा तो भी क्या हो सकता है। अच्छा, इसमें फोरियर सीरीज बनाने से पहले हमें कोफिशियंट्स निकालने हैं, सबसे पहले हम कोफिशियंट निकालेंगे ए नॉट वन अपॉन टू पाए फ्रॉम माइनस पाए टू पाए एफ ऑफ टी डी टी, ये हमने सॉल्व करना होगा, तो वन अपॉन टू पाए माइनस पाए से ज़ीरो तक, ये माइनस के है ठीक है, माइनस पाए से ज़ीरो तक और डी टी, देन फ्रॉम पाए टू, फ्रॉम ज़ीरो टू पाए ये प्लस के है ठीक है, ऐसे करके and then this will be equal to 1 upon 2 pi minus kt, limits of integration kya hai 0 minus pi, phir aage hai kt, limits of integration kya hai 0 and pi like this, ab aap usme limit of integration put kar denge 1 upon 2 pi to ye ho jayega aapka 0 minus minus k minus pi theek hai plus जी। अरे ये के कांस्टेंट है, के एम्पलीट्यूड है ना, के कांस्टेंट है, के ये वैल्यू है ये वाली यहाँ पे और इधर वाई एक्सिस के ऊपर, के कैन बी 1, 2, 3, 1.5 कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट है ये, देखें ना कांस्टेंट लेवल के ऊपर है ये यहाँ पे, ये देखें ठीक है, तो के आपके पास पहले से गिवन है और कांस्टेंट है, तो ये हमारे पास जीरो निकल के आता है, ए नॉट आ गया, ए नॉट आ गया जीरो, यानी ए नॉट इज इक्वल टू जीरो, ये हमारी फाइंडिंग है, ये स्लाइड नंबर हमारी कौन सी हो गई 10। अच्छा अब हम जो है ना ए एन फाइंड करते हैं, ए एन आता है 1/π इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस पाई से पाई तक एफ ऑफ टी कॉस एन टी डी टी, ठीक है फॉर्मूले में एन टी डी टी एन टी था, इज इक्वल टू 1/π, फिर आप इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस पाई से ज़ीरो तक ये माइनस के है ठीक है, कॉस एन टी डी टी, देन फ्रॉम ज़ीरो टू पाए ये हो जाएगा कॉस एन टी डी टी, इस तरह से, देन आफ्टर परफॉर्म सारी इंटीग्रेशन है, मैथमेटिक्स है सारी जो आपकी एफएससी लेवल में आपने इंटीग्रेशन पढ़ी है, माइनस के
साइन एन टी अपॉन एन माइनस पाई और जीरो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है, प्लस के साइन एन टी अपॉन एन जीरो और पाई, इस तरह से। अगेन जब ये आप इसको पुट करेंगे, इसमें साइन जीरो भी जीरो होता है और साइन पाई जो है किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें दैट इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो, सो दिस थिंग विल बी इक्वल टू वन अपॉन पाई जीरो प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो, ये भी जीरो आ गया, ए एन इज इक्वल टू जीरो, तो ये दोनों जीरो आ गए। ठीक हो गया यहाँ तक। अब बी एन को जीरो कम से कम नहीं आना चाहिए, तो क्योंकि फिर गड़बड़ हो जाएगा मामला सारा। तो ये हमारी स्लाइड नंबर नेक्स्ट 12 आ गई। अब हम फाइंड करना चाहते हैं बी एन। बी एन बराबर होता है वन अपॉन पाए माइनस पाए से पाए तक एफ एफ टी साइन एन टी डी टी इज इक्वल टू वन अपॉन पाए फ्रॉम माइनस पाए से जीरो तक, ये माइनस के था, साइन एन टी डी टी प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू पाए के साइन एन टी डी टी। इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये बन जाएगा वन अपॉन पाए के कॉस एन टी अपॉन एन, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन माइनस पाए जीरो है, देन माइनस के कॉस एन टी अपॉन एन जीरो एंड पाए लाइक दिस। कॉस जीरो भी वन होता है, कॉस माइनस पाए भी, कॉस माइनस पाए माइनस वन होता है, तो माइनस माइनस प्लस होके आपका जो है वो हो जाएगा, जमा हो जाएगा आपस में। ठीक है, ये कट नहीं रहा एक दूसरे से, तो यानी ये हमारे पास इसको देखना पड़ेगा कि अच्छा इसमें एक और मसला भी है, फिर एन इवन हो तो कुछ और आएगा, ऑड हो तो कुछ और आएगा, समझ रहे हैं इस बात को। तो ये मैं इसको स्लाइड नंबर 12 को यहाँ सेव करता हूँ, क्योंकि बात आगे चलेगी। कैसे इवन आएगा, चेंज आएगा, एक मिनट अभी देखते हैं ना, इस बात को आगे बढ़ाते हैं। देखें कॉस जीरो जब आपके पास होता है ना, कॉस जीरो आपने रखा तो ये वन हो गया, ठीक है, के इधर मौजूद है। मैं अगला स्टेप लिख रहा हूँ इज इक्वल टू वन अपॉन पाए के अपॉन एन, ठीक है, ये के अपॉन एन, जीरो रखने पे के अपॉन एन हो जाएगा। इसमें जब आप जीरो रखेंगे ना, और ये माइनस आ रहा है, और ये नीचे वाली लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये दोबारा ये भी आपके पास आ जाएगा के अपॉन एन, लेकिन यहाँ पे आएगा प्लस के अपॉन एन। ठीक है, जब आप इसको रखेंगे तो ये आ जाएगा, जब इस वाले को रखेंगे तो ये आ जाएगा, ये तो दोनों के अपॉन एन हो गए, इसकी कहानी खत्म हो गई। अब आप देखें जरा कि ये जो आपके पास है ना, इसके साथ क्या होगा, जब आप जो है ना उसको रखते हैं एन को रखते हैं ऑड, ठीक है, एन को जब आप ऑड रखेंगे तो उस सूरत में आपके पास ऑड नंबर में पाए आएगा, यानी कि कॉस पाए, कॉस थ्री पाए, कॉस फाइव पाए। कॉस पाए जो होता है ना 180 डिग्रीज होता है, और उस पर माइनस बनता है, माइनस वन बनता है, ठीक है, कॉस थ्री पाए पे माइनस वन बनता है, कॉस फाइव पाई पे माइनस वन बनता है। और जब आप इवन रखते हैं ना एन को, तो उस सूरत में आपके पास जो है ना कॉस टू पाई होगा, फोर पाई होगा, सिक्स पाई होगा, कॉस टू पाई प्लस वन बनता है, कॉस सिक्स पाई भी प्लस वन बनेगा, फोर पाई भी प्लस वन बनेगा, ये इवन ऑड तक आ रहा था आपको, सही है कि नहीं? यस सर, यस। अच्छा, अब यहाँ पे हम रखते हैं एन को, अगर हाँ एन को अगर हम ऑड रखेंगे तो फिर कहानी आगे क्या बढ़ेगी, पहले इसकी बात कर लें। अगर आप एन को ऑड रखेंगे और यहाँ पे आपने जो है माइनस पाई रखा है, ये माइनस माइनस पाई है यहाँ पे, तो उस सूरत में ये कॉस आपके पास जो है ना माइनस पाई से, मतलब ये माइनस और कॉस माइनस ऑड नंबर के साथ, हाँ जी, कनेक्शन रिस्टोर हुआ मेरा, पर स्क्रीन तो शेयर नहीं हो रही। हाँ, कनेक्शन मेरा रिस्टोर हुआ कि नहीं हुआ? आपकी आवाज आ रही है अभी, सही है?
सर हो गया है लेकिन अच्छा स्क्रीन अभी शो हो गया। अभी शेयर हो गई है? यस सर। अच्छा मैं ये बात आपसे कह रहा था, इस चीज़ को समझने की कोशिश करें, अगर हम n को सिर्फ ऑड रखते हैं तो फिर क्या सूरत हाल बनेगी। एक तो ये माइनस साइन आ रहा है क्योंकि ये लोअर लिमिट है ना इसकी, तो माइनस आ जाएगा और माइनस एंगल के साथ कॉस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा बराबर होते हैं एक दूसरे के, फर्क पड़ता है इवन ऑड का। अगर आप पाए को ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट उसका माइनस वन निकलेगा। तो माइनस वन का मतलब ये है कि माइनस यहाँ पे आपके पास आ गया माइनस और के आ गया आपके पास, यहाँ पे ये के मौजूद है हमारे पास, दिस इज आवर के and this is our side number 14 now, ठीक है, k है आपके पास, तो यहाँ पे माइनस वन निकल आएगा इससे और नीचे हमारे पास n है। अच्छा आगे आप बढ़ें तो cos आपके पास जो है ना यहाँ पे, इसमें जब हम पाए रखेंगे odd number के साथ तो वो भी माइनस वन बनेगा, तो वो वाला माइनस जो है उससे भी माइनस निकलेगा, ठीक है, ये दोनों माइनस निकल आ रहे हैं, तो ये दोनों माइनस माइनस या प्लस बना देंगे इसको। तो चूंकि मैंने स्लाइड 14 बना दी है इसलिए मैं डिलीट कर सकता हूँ इसको यहाँ से, हाँ जी हाँ जी, रिस्टोर हुआ अभी सिग्नल। आपकी स्क्रीन स्टक हुई है? हाँ अभी रिस्टोर हो गया स्क्रीन, अभी जो है हाँ जी हाँ जी, रिस्टोर हो गया इसकी कनेक्शन, रिस्टोर हो गया? यस सर। बस ठीक है, ये मैं वाइंड अप कर रहा हूँ, आखिर की एक दो बातें बतानी है, इसके बाद फिर ये आज का लेक्चर हम खत्म कर रहे हैं। तो क्या कहते हैं, हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है ना इसका, यानी कि इसका अगर आप इन सबको जमा कर लें, ब्रैकेट से बाहर जो है आपके पास है ये सब के आपस में जमा हो जाएंगे, देखें ना ये माइनस माइनस जो है ये प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 4k अपॉन n, तो bn आपके पास आ जाएगा 4k बाय n पाई व्हेन n इज इक्वल टू ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होते हैं? 1, 3, 5, ठीक है, 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। समझ आ गई बात? यहाँ तक क्लियर है? कोई इशू तो नहीं है इसमें? सही है इधर तक? कोई इशू तो नहीं है इसमें? अच्छा आप जब इवन रखते हैं इसको फिर क्या होगा?
अच्छा जी यार, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, बस ये एक दो आखिर की बातें बता के देन मैं ये लेक्चर को ख़त्म वाइंड अप करने लगा हूँ, एक दो बातें आखिर की बता के बस। तो ये अचानक कोई प्रॉब्लम आ गया इसमें ना कनेक्टिविटी में, तो ठीक है ना, अभी स्क्रीन नज़र आना शुरू हुई आप लोगों को? यस सर। हाँ इरफान, आपको स्क्रीन अभी नज़र आ रही? बस ठीक है, मैं इसको वाइंड अप कर रहा हूँ। अगर हम एन को और एन को इवन रखेंगे ना, उस सूरत में क्या बनेगा ये इसका सिलसिला? हमारे पास वन अपॉन पाए करके के कॉस, ठीक है, मैं वो इक्वेशन आखिरी वाली दोबारा से ना लिख रहा हूँ यहाँ पे, कॉस एन टी था, के है ये अपॉन एन और जीरो, माइनस पाए था, माइनस के कॉस एन टी अपॉन पाए और जीरो, ये चीज थी हमारे पास। जब हम इसमें एन को इवन रखेंगे तो उस सूरत में इसका क्या हल होगा? वो ये होगा कि कॉज आपके पास साइन नहीं बदलता अपना इवन नंबर के, तो हाँ जी ठीक है ना। अभी स्क्रीन तो नजर आ रही होगी, मैं जो नोट करने वाली बात है वो ये है कि लास्ट टाइम कॉज अपना साइन बदल रहा था। सर स्क्रीन पर स्टक हो गई। हाँ यार, बस मैं ये आखिरी एक बात बता के वाइंड अप कर रहा हूँ, ये कुछ कनेक्टिविटी का यहाँ पे नेटवर्क का इशू आ रहा है पीछे से ना, दोपहर को भी जुम्मे के वक्त भी इन्होंने बंद कर दिया था इस एरिया का नेटवर्क ना। तो हाँ बस ये एक आखिरी बात बता रहा हूँ, नोट करने वाली बात ये है कि जब आप कॉज जीरो रखते हैं ना उस सूरत में, तो ये के एन आ जाएगा और ये वाला भी, ये आपके पास प्लस के एन आ जाएगा उसका, जैसे पहले आ रहा था। लेकिन जो कॉज पाए होता है ना, कॉज टू पाए, कॉज फोर पाए, उसमें साइन नहीं चेंज होता। उस साइन के ना चेंज होने की वजह से आपका जो रिजल्ट आएगा वो इस तरह से आएगा कि के अपॉन एन माइनस के बाय एन आ रहा है, k by n plus k by n, ये सारे k n एक दूसरे को काट देंगे। पहले ये नहीं हो रहा था इसमें odd रखने के चक्कर में, तो even रखने के चक्कर में ना ये सब जीरो हो जाते हैं। तो जब आप n को even रखेंगे, या थोड़ी सी वर्किंग करके भी देख लीजिएगा, देखें cos जीरो जो होता है वो तो k upon n आ जाएगा, या माइनस और ये जीरो रखेंगे तो वो भी k upon n आ जाएगा। लेकिन माइनस even पाए के साथ रखेंगे तो वो साइन चेंज करके माइनस वन नहीं आता, प्लस वन आता है। उसके प्लस वन के आने की वजह से ना, और यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को काट देंगे, कट हो जाएगा, ये सब खत्म होकर जीरो हो जाएगा। तो ले दे के हमारे पास जो एंड रिजल्ट निकलता है ना, बी एन आता है हमारे पास 4k अपॉन n पाए n इज इक्वल टू ऑड नंबर, ठीक है। बाकी a नॉट भी जीरो था, b नॉट भी जीरो, a नॉट भी जीरो था, an भी जीरो था। तो आखिरी हमारा जो आंसर आता है ना, फाइनल आंसर आता है f ऑफ t इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 1, 3, 5 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक जा रहा है। आगे हमारा बी एन है जो कि 4k अपॉन n पाए है, और आगे हम लिखते हैं साइन एन टी। तो ये हमारा जो है ना फाइनल आंसर इसका सवाल का निकल के आया। फोरियर सीरीज हमने जो बनाई है ना इसकी, वो ये आती है। एक मिनट, इसको मैं हाईलाइट कर दूं। यस, ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया इस सवाल का, ठीक है। तो ये हमने बेसिकली जो गिवन सिग्नल था उसकी फोरियर सीरीज बना दी है। बाकी फिर हम इसका ग्राफ भी बनाना सीखेंगे अगले एग्जाम्पल्स में। तो यहाँ पे मेरा ख्याल है बहुत है आज के लिए, तो आज का हम लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। हमारी स्लाइड नंबर कौन सी हो गई थी? 16 हो गई थी। हाँ जी, यहाँ पे हम अपना आज का लेक्चर जो एंड कर रहे हैं। ओके सर। ओके सर।